तो दोस्तों भगवान पशुपतिनाथ जी का ये पश्चिम द्वार है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय राइडर बहादुरगढ़। आज हम गच्छी के अंदर और आज हमारी तीसरी नाइट है जो वो थी इधर नेपाल के अंदर, और काफ़ी अच्छा लगा इधर घूम के। कुछ पीछे रोड ख़राब थे नारायणगढ़ तक, उसके बाद रोड ओके है बिल्कुल अभी तक काठमांडू तक। तो दोस्तों आप मेरे पीछे व्यू देख रहे हो, जो साथ में नदी बह रही है त्रिशूली नदी है, और आप कभी आए तो इधर स्टे करें ज़रूर, पर ध्यान रखें कि बेसिक सुविधा से लैस ही है, ज़्यादा सुविधाएं है ही नहीं। तो दोस्तों ब्रेकफास्ट कर चुके हैं और निकलते हैं काठमांडू के लिए, डायरेक्ट काठमांडू पहुँचेंगे अभी। तो दोस्तों अभी मेन सिटी में पहुंच चुके हैं और काठमांडू के लिए ये जो आप चौराया देख रहे हो इसी से रास्ते से जा सकते हैं काठमांडू, और हम जाएंगे राइट वाले से क्योंकि वो जाता है पशुपतिनाथ। ये वाला जो है ये वाला रास्ता आप देख सकते हो, पीछे जाम था काफ़ी। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं पशुपतिनाथ के मंदिर के प्रांगण में। तो दोस्तों जो सामने ये नदी है बागमती नदी है, और इसके किनारे पर जो स्थित है पशुपतिनाथ जी का टेम्पल है, और जो आप ये सब सामने वीडियो में देख रहे हो ये मोक्ष प्राप्ति के लिए इधर ही दाह संस्कार किया जाता है, और बागमती नदी का ही जल पशुपतिनाथ पे चढ़ाया जाता है। सिर्फ इसी नदी का जल अंदर ले जाने की आज्ञा है। और शाम को जो आरती होती है जो सामने आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं इधर ही होती है। तो चलिए चलते हैं महादेव जी के। तो काठमांडू में पशुपतिनाथ जी के दर्शन के लिए आए हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मंदिर के बिल्कुल मेन गेट पे, और यहां से एंट्री होती है आप देख सकते हो बिल्कुल, और बड़ा ही अच्छा नज़ारा इधर का। बागमती नदी के किनारे स्थित है पशुपतिनाथ जी का मंदिर, और कैमरा अंदर अलाउड नहीं है, फिर भी ज़्यादा जो होगा पॉसिबल वहाँ तक हम आपको दिखाएंगे। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अपडेट वीडियो आप तक आती रहे। तो मंदिर का जो दिन में बंद होने का टाइम है 2 बजे है। तो दोस्तों जो सामने द्वार दिख रहा है वो भगवान पशुपतिनाथ जी का मंदिर है। आगे कैमरा अलाउड नहीं है, गर्भगृह में 5 मुख शिवलिंग है, चारों दिशाओं में एक एक मुख, एक मुख ऊपर पे ऊपर की तरफ है। आप देख सकते हो भगवान भोले बाबा का दरबार, और कुछ ऐसा व्यू है चारों तरफ का। तो दोस्तों भगवान
पशुपतिनाथ जी का ये पश्चिम द्वार है, इसके चार द्वार हैं, तो मेनली एंट्री इधर से ही होती है पश्चिम द्वार से। और जो सबसे पहले देखना होता है हमें भगवान भोलेनाथ को देखना होता है, उसके बाद नंदी जी को देखना होता है। तो इसीलिए जो तस्वीर लगाई गई है ऊपर, जो भगवान भोले शंकर अपने पशुपतिनाथ जी, वो है आप देख रहे हो। तो दोस्तों दर्शन किए पशुपतिनाथ जी के, काफी अच्छा लगा। तो दोस्तों पशुपतिनाथ जी के दर्शन किए हमने, काफ़ी मन को शांति मिली, काफ़ी इच्छा थी हमारी पशुपतिनाथ जी मंदिर आने की। और जो मेरे पीछे आप ये दाह संस्कार क्रिया देख रहे हो, ये क्रिया एक मोक्ष प्राप्ति के लिए ही है। उस आदमी का दोबारा जन्म खुशी होने के अंदर नहीं होता है। तो जो आपने बुज़ुर्ग देखे होंगे वो अपने लास्ट समय में पशुपति जी के नाथ के दरबार में आ जाते हैं और यहीं पे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बागमती नदी के किनारे स्थित है पशुपतिनाथ मंदिर, और इसकी एक मान्यता है मंदिर की कि एक हिस्सा मंदिर का जो केदारनाथ में है, जिसको कुबड़ या पट बोलते थे, दूसरा जो मुख्य हिस्सा है वो अपना काठमांडू के अंदर है, और बाकी हिस्से उत्तराखंड के अंदर है। वो सब आपको हम डिटेल में बताएंगे जब वहाँ पे जाएंगे। तो जय बाबा पशुपतिनाथ।